हेलो दोस्तों, मैं जतिन एक बार फिर से अपने YouTube चैनल अचीवर जोन पर आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए थे 1 to 6। अब हम नेक्स्ट जो आज हमारा है, आज हम एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 को रीड करेंगे और उसको सोल्व करेंगे। कैसे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 7th, यामिनी एंड फातिमा टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। ठीक है, उसने दो नाम दिए हैं, एक तो यामिनी एंड फातिमा। ठीक है, उसने क्या बोला क्वेश्चन में दोस्तों कि वो क्लास 9th के एक स्कूल में दो स्टूडेंट हैं, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स। इन दोनों ने क्या किया कि ₹100 दिए हैं। कितने रुपए? ₹100 किस में दिए हैं? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिए हैं। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। आपको एक लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, सेटिस्फाई करने के लिए डाटा। यू मेक के टेक देयर कंट्रीब्यूशन इज ₹X एंड ₹Y। ठीक है, और ड्रॉ द ग्राफ। अब देखिए क्या है, अब क्वेश्चन क्या है, यामिनी एंड फातिमा दो स्टूडेंट्स हैं, कौन सी क्लास में? 9th क्लास की। उन्होंने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ₹100 को क्या किया, डोनेट कर दिया। तो उसने ये बोला है कि जो डोनेट किया है उसको एक तो आपको एक्स मानना है और एक वाई मानना है। ठीक है, और सेकेंडली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक इक्वेशन तो बनेगी हमारी। ठीक है, क्यों बनेगी? जब हम एक्स और वाई को देखेंगे तो क्या बनेगी दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्या है, डोनेशन ऑफ लेट मानेंगे, लेट डोनेशन ऑफ यामिनी इज ₹X। ठीक है, हाँ भाई, हमको हम दोनों ने इकट्ठे ₹100 दिए, तो उसमें ये हमको नहीं पता दोस्तों कि भाई इसने 50 दिए हैं, उसने 100 दिए हैं, या भाई उसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यामिनी है तो लेट डोनेशन ऑफ फातिमा। अब उसने फातिमा को क्या बोल दिया, हम उसमें ₹Y को क्या करेंगे, ₹Y हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं, दोनों ने मिलके, मींस यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलके कितना कंट्रीब्यूशन किया है दोस्तों, ₹100। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई इक्वल 100। ठीक है सर, ये क्या चीज है। अब हमने इन दोनों का कंट्रीब्यूशन ₹X इसने दिए, ₹Y इसने दिए, तो हमने क्या देखा, ये हमारी क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहां से हम कुछ निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, क्यों, x की वैल्यू पुट करेंगे। आपको पता है इसके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहां से हम एक लीनियर, फर्स्ट वन आपका क्या पूछा था, उसने पूछा था कि इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, वो हमने इसको ड्रॉ बना दिया। अब क्या करना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है, ग्राफ बनाना है। तो देखिए ये आपके लिए बहुत इजी होगा। कैसे इजी होगा, हम यहां पे क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू कुछ भी कर लेते हैं, क्या करेंगे, लेट एक्स इक्वल 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेते हैं, हमारे गिवन इक्वेशन है। ठीक है, हमारा फर्स्ट वन आंसर लीनियर इक्वेशन कौन सी हुई, एक्स प्लस वाई इक्वल 100। आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं भाई, यामिनी का निकालना है तो एक्स इक्वल 100 माइनस वाई, वो चीज आपको इजीली पता है। यदि हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं यहां, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, वाई की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 99। ठीक है, अब यहां पे हम लेट y इक्वल 1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखते ही क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल 100, देन x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके सामने 99। एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं, अब क्या करेंगे हम x की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, लेट x इक्वल 2। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या होगा, 2 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 98। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ भाई ये हमसे ड्रॉ नहीं होगा। अब देखिए सबसे पहले हमारी बात क्या थी, यहां पे आपको क्या लिखने, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, एक्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। अब देखिए आपको यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 99 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम इसको 10-10 का गैप ले सकते हैं, 10, 20, 30, यहां पे -10, -20, -30, -10, sorry, +10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, इस तरीके से आपको यहां पे 90 तक, 70, 80, 90
और ये आपका यहाँ पे जो हमको ग्राफ करना है तो ये आपको 100 तक बना लेंगे हम, ठीक है। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा -10, -20, -30। अब देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, ग्राफ ही तो ड्रॉ करना है। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए आपको क्या बनानी है, यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे। हाँ सर, हम तो ये बहुत जब से हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हम टेबल बना रहे हैं, एक्स और वाई। व्हेन एक्स इज 1 देन वाई इज 99, ठीक है। व्हेन वाई इज 1 एक्स इज 99, व्हेन एक्स इज 2 वाई इज 98, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको क्या प्रॉब्लम कुछ आएगी, कुछ नहीं आनी है, क्योंकि देखिए यदि मैं कहता हूं एक्स की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं, देखिए यहां पे मैं कह देता हूं दिस वैल्यू इज 1, कैसे पता लगे, देखिए क्या जो हमारा ग्राफ पेपर होता है ना, जब आप एक उसका बॉक्स देखेंगे दोस्तों, उसमें कितनी लाइंस होती हैं, उसमें होती है 10 लाइंस, ठीक है। तो यहां मतलब 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 10 लाइंस है, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 हमारा पॉइंट हो जाएगा बिल्कुल फर्स्ट 1। और y की वैल्यू कितनी है यहां पे 99, तो 99 बिल्कुल इससे जस्ट पहले, तो हमने यहां पे ये पुट किया ना दोस्तों, 1 कोमा कितना है 99, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 99, अब x की वैल्यू आपको यहां पे दिखेगी, आगे हम करेंगे सपोज दिस इज 100, ठीक है। आप इसको यहां पुट करेंगे और उसको यदि हम इसको ड्रॉ करेंगे ना दोस्तों, तो वो क्या आएगी, वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। हाँ क्यों आएगी, क्योंकि हमको पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है होता है ना दोस्तों, उसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब ये आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम इन द सेंस ग्राफ में आपको पुट करने नहीं आ रहे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और फिर आपको बताया जाएगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, यहां से आपकी मिस्टेक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, ओके। अब इसने क्या करा, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, दो कंट्री दी है उसने यूएसए और कनाडा, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। उसने क्या कहा, जो दो कंट्री है, एक तो यूएसए है दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, और एक है हमारी कनाडा, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, जो टेम्परेचर, हम टेम्परेचर या तो डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, ठीक है, या हम डिग्री फ़ारेनहाइट में देखते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है यहां पे जो दोनों कंट्रीज हैं उसको किसने किया, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में उसने क्या किया, मेजर किया, ठीक है। हम आगे देखते हैं, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, हाँ भाई हमारी जो इंडिया है, हम इंडिया में है तो हम क्या बताते हैं, आज का टेम्परेचर कितना है, दिमाग से पूछो टेम्परेचर, हम बोलेंगे भाई 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये हम इसको टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ओके। हेयर ए लीनियर इक्वेशन डेट कन्वर्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, अब देखिए आपको एक इक्वेशन दी गई है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सी प्लस 32, वेयर एफ स्टैंड फॉर फ़ारेनहाइट एंड सी स्टैंड फॉर सेल्सियस, ओके। अब उसने क्या देखा है, अब देखो ध्यान से, अब जो ये आपकी इक्वेशन है दोस्तों, ये आपके साइंस में है एज इट इज। यदि मैं कहता हूं टेम्परेचर हमारा 60 डिग्री है, प्रेजेंट में मैं बोलता हूं अभी टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको फ़ारेनहाइट में इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट वन क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबो यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, उसने बोला इसका ग्राफ ड्रॉ करना है दोस्तों। हाँ ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, इजी है वो तो हमारे लिए, लेकिन उसने एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन क्या है, देखिए हमने ग्राफ कर दिया, लेकिन ये आपको कहां पे पुट करना है दोस्तों, ये आपको ग्राफ पेपर पे ही पुट करना है, ठीक है। उसने एक कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दी है देखेंगे, अबो यूजिंग सेल्सियस मतलब जो यहां पे एक्स एक्सिस है ना, जो एक्स एक्सिस है दोस्तों उसमें उसने बोला सेल्सियस को डिनोट करना है, और वाई एक्सिस को क्या करना है, फ़ारेनहाइट से डिनोट करना है, ओके। अब देखिए यहां पे सेल्सियस है, हम लिखेंगे कैसे क्या करेंगे, देखिए हमारे जो गिवन इक्वेशन है एफ इक्वल 9/5 ब्रैकेट सी प्लस 32, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट कहां पे लेना आपको, वाई, यहां, तो यहां से हम ग्राफ कैसे पुट करेंगे, क्या हम निकाल सकते हैं ग्राफ को, बिल्कुल, यहां से हमारी एक लीनियर इक्वेशन है दोस्तों। अब सर मैं, आप ये पूछेंगे बच्चों की, भाई इसमें तो ना तो एक्स दिखाई दे रहा हमको, ना हमको वाई दिखाई दे रहा है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे हुई। देखिए यहां पे हम देख सकते हैं फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस,
बोथ आर डिफरेंट। तो हमारी यहां पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं यहां पे, ठीक है। अब देखिए क्या करना, ग्राफ पुट करना है, मींस जो एफ की वैल्यू है अब यहां पे, मींस फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, वैन या लेट मान लेते हैं, वैन की जगह लेट कहते हैं, लेट सी इज इक्वल जीरो, सी को मैंने जीरो पुट किया तो एफ इक्वल 9/5 ये जीरो हो जाएगा प्लस 32। जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है दोस्तों, खुद जीरो हो जाता है। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने 32। तो यहां पे जब हम टेबल बनाएंगे, क्या बोला है दोस्तों, जब हम यहां पे टेबल बनाएंगे, यहां पे ऊपर हम लिख देंगे फ़ारेनहाइट, नीचे हम सेल्सियस लिख देंगे, या आप ऊपर सेल्सियस लिख सकते हो, नीचे फ़ारेनहाइट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे हमने देखा है सी की वैल्यू हमने जीरो पुट की, ठीक है दोस्तों, तो हमारी वैल्यू एफ की कितनी आई 32, ठीक है। अभी देखिए मैंने कुछ ड्रोन ही किया, हम करेंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं कि सर यहां ये तो आपने एज इट इज लीव कर दिया, लेकिन हम देखेंगे वैल्यूज कैसे आती है हमारी, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम सी सेल्सियस को 1 रखते हैं, ठीक है, लेट सेल्सियस इक्वल 1, ठीक है, डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो आप इसको। अब यहां पे 1 रखते ही क्या इक्वेशन आएगी, एफ इक्वल 9/5 दिस इज सी, ठीक है, प्लस 30, तो ये इक्वेशन है, बट हमने क्या बोला सेल्सियस को 1 रखना, तो यहां पे क्या हो जाएगा इनटू 1, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा कैसे 9/5 प्लस 32। देखिए प्लस का साइन है, ठीक है, बीच में हमारे क्या है, ये हमारे बाई की फॉर्म में है, तो हम इसका क्या लेंगे 5 एलसीएम लेंगे, 9 प्लस 0, 5 2 10, 1 एलसीएम, 5 3 15 60, तो आपका क्या हो जाएगा 169/5, ठीक है। अब f की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे हम, f की वैल्यू ये हमारे सामने निकल चुकी है, f इक्वल 169/5। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, क्या हुआ यदि हम 169/5 करते हैं तो 5 3 15 1 9 5 3 15.4058, तो हमारा आंसर क्या आया, देखिए यदि मैंने सेल्सियस को 1 रखा है दोस्तों, ठीक है, तो हमारी वैल्यूज कितनी आई 33.8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए हम जब ग्राफ पुट करेंगे तो यहां क्या है, हम लिख लेंगे भाई कुछ भी नंबर, 8 से स्टार्ट कर लेते हैं, 8 16 24 32, ऐसे यहां पे क्या कर लेंगे 8 16 24 32, ठीक है। अब यहां पे हम आगे भी लिख सकते हैं 40, यहां पे भी हमने सेम वही चीज प्रोसेस करना है, ठीक है, और यहां पे आपको क्या करना है -8 -16, ठीक है, एंड सो ऑन। अब देखिए यदि हमारे सी की वैल्यू सेल्सियस जीरो, अब देखिए यहां पे एक कंडीशन है दोस्तों, उसने पहले ही बोला है कि जो सेल्सियस है उसके लिए कंडीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे लेना है, ओके, मींस सी की वैल्यू जीरो यहां पे होगी, ये दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, ओके। अब एफ की वैल्यू कितनी है 32, 0.32, तो दिस इज ए पॉइंट, ये आ गया 0.32, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पे आपको थोड़ी सी क्या होगा कि भाई 1 कहां पे रखें, ठीक है, तो हम जब उसको टेन को, जो हमारे बीच में जो लाइंस है उसको हम अच्छे से देखेंगे, तो भाई 10 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 8, ठीक है, पॉइंट 2 बचा, 8 2 16 1.2 समथिंग, मींस जो 1 लाइन है आपकी वो एप्रोक्सीमेट कितनी है आपकी 1.2 है, तो यहां पे हम देखेंगे ये 1.2 हो जाएगा यहां, और y केवल 33.8, ठीक है, तो यहां पे इस तरीके से हो जाएगा 33.8 नीचे हो जाएगा। जब हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो भी क्या आएगा, तो भी हमारी स्ट्रेट लाइन आनी है, हमने देख लिया फर्स्ट वन पार्ट क्या है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, ठीक है, उससे आपको ग्राफ पुट करना है, और हमने ग्राफ पुट कर दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं दोस्तों, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे, उसने बोला If the temperature is 30 degree Celsius, चलो मैं यहां पे इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, F equal 9/5, ठीक है, C plus 32, this is our given equation, ठीक है, ओके। अब देखिए इसने बोला सेकेंड में, सेकेंड जो पार्ट है, यदि हमारा टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ओके, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो उसने क्या बोल दिया फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बताओ, तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी तो नहीं है, सारा क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, मींस एफ इक्वल 9/5, यहां पे सी की वैल्यू कितनी दे दी 30 प्लस 32,
ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे दोस्तों, ये जो 30 और 5 है, जो ब्रैकेट है, इसका मतलब आपको अच्छे से पता क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई। तो हमने क्या किया, 9/5 मल्टीप्लाई 30+32, ठीक है। अब 5 6 देखिए, क्योंकि आपको पता जब मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो जाते हैं। 9 6 9 54+32 6 और 8, दिस इज योर आंसर। अब देखिए क्या है, अब देखिए हम यहां पे क्या देते हैं, दिस इज आंसर, ठीक है। लेकिन क्या मैथ्स में एक चीज है दोस्तों, यूनिट हमको हमेशा लिखनी है। जो ये कन्वर्ट होके आया है वो किस में आया है, फ़ारेनहाइट में। तो हम लिखेंगे 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखिए क्या है, उसने सिंपल बोला आपको, बहुत ही इजी है। क्या है, हम एक बार तो ये देख सकते हो, इतनी बड़ी इक्वेशन है कैसे सोल्व होगी, ठीक है। आपको 30 दे दिया, आपने निकाल दिया। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट क्या है, ठीक है। थर्ड पार्ट में बोलता है If the temperature is 95 degree Fahrenheit, अब देखिए उसने temperature दे दिया Fahrenheit में, degree Fahrenheit में कितना दिया उसने 95, ठीक है, 95 degree Fahrenheit। चलो हम इसको अच्छे से लिखेंगे, degree Fahrenheit, यहां पे उसने दे दिया temperature। अब की बार आपसे वो क्या पूछ रहा है, अब की बार उसने बोला दोस्तों कि उसका जो temperature है वो Celsius में कितना है वो बताओ, ठीक है। अब क्या करना है, अब भी सेम वही चीज है, फ़ारेनहाइट की जगह आपको क्या करना है, 95 पुट करना है। तो 95 इक्वल 9/5, सी की वैल्यू तो हमको निकालनी है, प्लस 32, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से, जो एक जैसे नंबर है ना दोस्तों, उनको क्या करेंगे, एक साइड में लेंगे। हम यहां इजीली पता लग रहा है ये प्लस 32 है, ये 95 है, तो हम क्या करेंगे, 32 को लेफ्ट हैंड साइड यहां पे ले आएंगे। तो क्या हुआ, 95-32 इक्वल 9/5 सी, ठीक है। अब देखिए 5 में 2 3 और 9 में से 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके सामने, 63 हो गया, ठीक है। कैसे माइनस, देखिए बिल्कुल वो नहीं है कि 5 में से 3 9 में से 6, माइनस ही करना और मैंने कुछ नहीं किया दोस्तों, 63 आ गया इक्वल। अब क्या रह गया यहां पे, 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है देखेंगे यहां पे, अब इक्वल टू का साइन है यहां पे, ये मल्टीप्लाई में, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, ब्रैकेट को यदि हम लीव करते हैं तो इनटू सी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, सी की वैल्यू ही तो निकालनी है। अब इसको क्या करेंगे, हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो यहां पे 5 किस चीज का, मल्टी डिवाइड का, तो यहां पे मल्टीप्लाई का, यहां पे 9 मल्टीप्लाई, तो यहां पे डिवाइड का इक्वल सी। तो 9 7 जा और ये क्या आ गया, 35 इक्वल सी, मींस टेम्परेचर क्या आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में कुछ नहीं था, उसने बोला यहां पे, तो उसने बोल दिया भाई सेल्सियस आपको वैल्यू दे दी सेल्सियस की, 30 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, यहां पे आपको फ़ारेनहाइट में दे दिया, सेल्सियस में पूछ लिया। तो आपको क्या करना है, केवल आपको वैल्यू पुट करनी और सोल्व करना, जो हमारे लिए इजी है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका फोर्थ वन पार्ट क्या बोलता है, वो क्या है फोर्थ वन क्वेश्चन, उसने बोला इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। फोर्थ वन पार्ट उसने दे दिया, टेम्परेचर है हमारा दे दिया, उसने गिवन है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो उससे आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि भाई फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर कितना होगा, ओके देखते हैं। एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेकेंड इसमें देखिए फोर्थ वन जो पार्ट है उसमें सेकेंड और एड किया, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आपको क्या बताना है, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस, तो उसमें आपको सेल्सियस का टेम्परेचर बताना है, ठीक है। अब क्या है, आपको इक्वेशन आपको गिवन दे रखी है 9/5 c + 32, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, फर्स्ट वन लिखेंगे या व्हेन क्या है, टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, जब हमारे 0 डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, वैल्यू पुट करेंगे f इक्वल 9/5, c की जगह हमने 0 पुट किया, प्लस 32, ठीक है दोस्तों। अब यहां पे क्या क्या हुआ, f ये मल्टीप्लाई 0 था तो ये क्या हो गया 32, ठीक है। f की वैल्यू मींस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, आ गया समझ में। इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट में उसने 0 डिग्री दे दिया, 0 इक्वल 9/5 c प्लस 32, अब देखिए आपको c की वैल्यू निकालनी है, माइनस में आ जाएगा, माइनस यहां प्लस है तो माइनस 32 इक्वल 9/5
सी। अब 5 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे डिवाइड एम हो जाएगा और ये आपको वैल्यू निकालनी है। अच्छा यहां पे मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, क्या जो हमारा टेम्परेचर है दोस्तों वो नेगेटिव में हो सकता है? बिल्कुल होता है, हमने देखा होगा जो हमारी कुल्लू मनाली है या और टूरिस्ट साइट है वहां पे जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे आप देखते हैं कि -4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव होता है तो क्या होता है, बर्फ हो जाती, बर्फबारी होती है सर। ठीक है ओके। अब देखिए लास्ट वन पार्ट इसका क्या है, आपने ये भी देख लिया सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए कुछ सिंपल सिंपल वैल्यूज दी है और पुट करनी है। लास्ट वन है इफ इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड दिस। ठीक है, उसने क्या है आपके सामने, एफ इक्वल 9/5 C+32। उसने क्या बोला, देखिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, इफ द टेम्परेचर इज देयर ए टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम, मतलब उसने क्या बोला, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और जो डिग्री सेल्सियस है यदि वो दोनों टेम्परेचर न्यूमेरिकली कोई भी वैल्यू रख सकते हैं यदि हमारी सेम हो जाएगी तो इफ यस फाइंड इट। तो आपको क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर ही तो बोल रहा है उसने, मानेंगे लेट टी इज द टेम्परेचर। हाँ भाई टेम्परेचर हमने टी को मान लिया, अब यहां पे क्या करेंगे, जब देखिए दोनों न्यूमेरिकली इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब हाँ ये इसमें दे रखा है ना दोस्तों, बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल मींस एफ की वैल्यू भी क्या है यहां पे टी है और सी की वैल्यू भी क्या है टी है, बिकॉज दिस इज गिवन, ये हमारी क्या है गिवन दे रखा आपको ये। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, यहां पे हम टी की वैल्यू रख दें, बिकॉज वेयर एफ इज टी एंड सी इज ऑल्सो टी इक्वल 9/5 यहां पे टी प्लस 32। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोली तो करना, प्लस 32 यहां पे है इस साइड आते क्या हो जाएगा -32। ठीक है, टी माइनस 32 इक्वल 9/5 टी। तो यहां से आपको टी की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। ठीक है, और टी की वैल्यू यदि हम देखेंगे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -40 डिग्री। ठीक है, यदि आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है सोल्व कर लेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने क्या किया दोस्तों, एक्सरसाइज 4.3 के जो हमारे 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन है टोटल, वो हमने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो हम इसके एग्जांपल्स और देखते हैं, उसमें एग्जांपल्स में उसने क्या क्या बोला है। देखिए पेज नंबर आपका 71 क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 है, गिवन द पॉइंट, उसने 2 पॉइंट दे दिए। देखिए एक्सरसाइज में भी हमने ये क्वेश्चन एज इट इज फॉलो किया है, क्या दे दिया 2.1, 2। ठीक है, तो उसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन विच इट लाई, हाउ मेनी सच इक्वेशंस आर देयर। ठीक है, आप देखेंगे 2 पॉइंट दे दी, कितनी लाइंस होगी, इनफाइनाइटली लाइंस होंगी। ठीक है, अब आपको इक्वेशन बनानी है, वो आप इक्वेशन बना दोगे कैसे, x+2y = 0, दिस इज आवर इक्वेशन, बिकॉज x की वैल्यू हमारे पास 1 है और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो हमने एज इट इज इक्वेशन बना दी। अब कितनी लाइंस ड्रॉ होंगी सर, इनफाइनाइट। ओके, और देखिए एग्जांपल नंबर 6, उसने सिंपल पूछा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये एग्जांपल 5 है, एग्जांपल 6 उसने बोला कि ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, x+y = 7। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे, हम यहां पे आते ही एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, x लिखेंगे, y रखेंगे, x की वैल्यू यदि हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 है यहां पे 6 हो जाएंगे, 6 हो जाएगी। फिर आपको क्या करना, ग्राफ ही पुट करना, ग्राफ पुट करने के बाद कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको शो होगा। ठीक, आप कर देंगे। अब देखिए ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि इंपॉर्टेंट है, उसने बोला यू नो दैट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन। क्या है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके से दिया हुआ, उसने एक्सीलरेशन से। ठीक है ओके, हमने ये कर लिया। अब उसके बाद उसने क्या प्रोड्यूस इन द बॉडी, राइट एंड लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट ए ग्राफ। तो आप क्या करेंगे, यहां पे हमने सेम क्वेश्चन किया था, फोर्स को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, एक्सीलरेशन को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू वाई, बट देखिए जब हमने एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन किया था मैंने बताया था प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो कुछ ना कुछ क्या आता है दोस्तों, कॉन्स्टेंट आता है, एक्स इक्वल हम के वाई, लिख दे। के क्या है सर, यहां पे के है, वेयर के इज ए क्या
कॉन्स्टेंट, तो यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस के वाई इक्वल जीरो। तो यहां पे हमको x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू रखनी है और एज इट इज आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ओके, अब देखिए आपका एग्जांपल नंबर 8 है, वो क्या है, लास्ट वन एग्जांपल है कि फॉर ईच ऑफ द ग्राफ आपको एक फिगर दी हुई है, फिगर 4.5, ठीक है। उसमें आपको क्या है, तीन फिगर्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक। उसमें से आपको क्या है, कुछ नहीं, ये फिगर इस तरीके से जैसे हम ड्रॉ करेंगे ऐसे ही, मान लो कोई ग्राफ दे दिया तो आपको क्या बोला गया है कि इसमें यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है। डिटो सेम क्वेश्चन जो हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 5 देखा था, तो हमने देखेंगे कि यहां पे वैल्यूज कैसी हैं, x प्लस y इक्वल जीरो दे दिया, कौन सी वैल्यू से सेटिस्फाई हो रही है, कौन सा इसका ग्राफ ड्रॉ होगा, तो आप इसको इजीली बता सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर दिया और विद एग्जांपल्स के साथ। यदि फिर भी आपको किसी एग्जांपल में या किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। और दोस्तों यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लास्ट वीडियो जरूर देखें। थैंक यू।